हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। मैं कुछ हफ्ता हुआ कुछ महीने सॉरी हुआ है अभी मैं फ्रेशर्स इंडिया से निकला हूँ पीएचपी डेवलपर बनकर। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जॉब भी मिल गया है, अच्छा जगह जॉब मिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम स्टार्टिंग से बताते हैं मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं 1 to 10 उतना अच्छा नहीं था क्लास में, पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, एवरेज मार्क्स आता था 50%, 55, 56, बहुत मेहनत कर लिया तो 60 आ जाता था। 10 में बहुत मेहनत किया, 12 में भी मैंने बहुत मेहनत किया, तब जाकर आया 60+। ठीक है, खुश, कॉलेज में भर्ती हो गया। तो मैंने महाराजा मोहिंद्र चंदो कॉलेज में बीकॉम मेजर जो कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स होते हैं उसको लेकर भर्ती हो गया। 3 साल कोर्स किया, पढ़ाई किया, ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद जब बाहर आया तब जिंदगी में देखा नौकरी मिलना उतना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। बहुत ढूंढा, कुछ नौकरी नहीं मिला, मिला लेकिन अच्छा नहीं मिला जो बैकग्राउंड फ्यूचर बना सके, ऐसा कोई नौकरी नहीं मिला। तो मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया कैसे करेगा, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। 2014 में मैं ग्रेजुएट हुआ, कैसे करें। अचानक मेरा एक भैया था, उन्होंने एक दिन मुझे एक फ़ोन नंबर और एक एड्रेस पकड़ के बोला यहाँ जाओ, यहाँ जाने से तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है, देखो मेरे जैसा बनना है। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया चलो जाकर मिलते हैं। तो मैंने आ गया सॉल्ट लेक में फ्रेशर्स इंडिया निखिल सर के पास। निखिल सर के आने के बाद मैंने सब सर को बताया, सर को बताने के बाद सर ने मुझे बताया जो तुमको बेसिक से सीखना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में एकदम कुछ भी नहीं आता था, सी तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैं बीकॉम मेजर कर चुका हूँ, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स। सी मुझे कॉलेज में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो मुझे बस सबसे पहले मुझे सर ने आगे बोला अगर पीएचपी डेवलपर बनना है तो पहले सी जानना जरूरी है। तो मैंने ऑलमोस्ट लाइक 1 month एंड 2 months, ऑलमोस्ट 2 month मैंने सी का ट्रेनिंग लिया यहाँ पर अजय सर के सामने। तो मैं उससे पहले मुझे कुछ नहीं आता था, जो जो आता था सर को बताया, सर बोले ये सब एकदम अच्छा नहीं है, अच्छे से सीखो अगर फ्यूचर बनाना है। तो मैंने बहुत अच्छे से सी सीख गया। सी सीख जाने के बाद 1 महीने का एक ब्रेक ले लिया, बहुत पढ़ाई कर लिया ऐसे ब्रेक ले लिया। ब्रेक करने के बाद उसके बाद मैंने फ्रेशर्स इंडिया में पीएचपी कोर्स ज्वाइन किया। पीएचपी कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला एक्चुअल लाइफ में क्या करने से क्या करना पड़ेगा और फ्यूचर में क्या बनना पड़ेगा, इसके लिए मुझे पता चला। तो उसके बाद मैंने फ्रेशर्स इंडिया में आकर पीएचपी कोर्स ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट 110 डेज का क्लास किया, इसमें मुझे 2 मैम और जो निखिल सर के बात हम बता रहे, निखिल सर ने मुझे बहुत हेल्प किया इसके बारे में, मुझे कुछ भी नहीं आता था। उसके बाद सर ने इधर जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट में पास होने के बाद मुझे 100% जॉब गारंटी भी मिला था। तो मैंने 100% जॉब गारंटी में दिक्कत नहीं था, जॉब मिलना था, ये मुझे विश्वास हो गया तो मुझे जॉब मिलेगा ही, मैं कुछ भी करूँ मुझे जॉब मिलेगा। उसके बाद मैंने जाकर एक कंपनी में ज्वाइन किया, सर ने भेजा था इंटरव्यू देने के लिए, मैंने गया। उसके बाद अचानक एक अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने ज्वाइन कर गया IBM में। मैं अभी उधर का वेब डेवलपर हूँ, जूनियर वेब डेवलपर। तो मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, मेरा अभी ऑलमोस्ट लाइक 90 डेज भी कंप्लीट नहीं हुआ, 75 डेज 80 डेज काम कर रहा हूँ, मुझे एक बार प्रमोशन में मिल रहा था। तो ऐसे करके मैं जान पाया जो मैं कुछ बन सकता हूँ। अभी मैं और भूख है, मुझे और सीखना है, पीएचपी के बारे में और जानना है, यकीन नहीं दिला सकता। अभी आज से शायद 2 साल 3 साल के बाद खुद का कंपनी भी चालू कर सकता हूँ, जैसे सर ने बताया था एक दिन, अगर कुछ बनना है तो खुद से सोचो, बस यही। थैंक यू।